नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर रुचिका सोमानी के साथ। आज की कड़ी में हम जानेंगे कि 11 जनवरी को क्या महत्वपूर्ण घटनाएं देश और विदेश में घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी। विलियम हर्शल ने टिटेनिया और ओमनॉन यूरेनस के दो चंद्रमाओं का पता लगाया। चिंग थान खोबा को मणिपुर के राजा का ताज आज के दिन पहनाया गया। 1805 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन राजधानी बनाई गई। डायबिटीज के मरीजों को पहली इंसुलिन जो दी जाती है वो आज ही के दिन निजात हुई। डायबिटीज के मरीजों के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है, इसी के लिए इंसुलिन बनाई गई। एलिजाबेथ ब्लैकवेल अमेरिका में चिकित्सा डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला बनी। लॉस एंजिल्स में सबसे ज्यादा हिमपात होने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। एक ऐतिहासिक रिपोर्ट में अमरीकी सर्जन जनरल लूथर टेरी ने चेतावनी जारी की कि धूम्रपान किसी के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। आज ही के दिन लॉटरी का शुभारंभ इंग्लैंड में हुआ। अमरीका के फिलाडेल्फिया में पहली जीवन बीमा कंपनी की शुरुआत भी आज ही के दिन की गई। वियतनाम विश्व व्यापार संगठन का 150वां सदस्य बना। आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में एक नजर डालते हैं। बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म आज ही के दिन हुआ। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की जिसके बाद से वह विश्व भर के 144 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। मशहूर अमरीकी विचारक व दार्शनिक विलियम जेम्स का न्यूयॉर्क में जन्म हुआ। भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का 1973 में आज ही के दिन जन्म हुआ। राहुल द्रविड़ भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। द वॉन, जैनी और मिस्टर भरोसेमंद जैसे उपनामों के साथ उन्होंने अपनी पहचान बनाई। बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। शेरपा तेंजिंग के साथ माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहणकर्ता और समाज सेवी सर एडमंड हिलेरी का 2008 में निधन हुआ। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले और अपनी सादगी से दिल जीतने वाले लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में आज के दिन निधन हुआ। फ्रांस के रसायन शास्त्र मिशन यूजीन सेवरल का आज ही के दिन देहांत हुआ। उन्होंने एक प्रकार की मोमबत्ती का आविष्कार किया जिसे चूने की मोमबत्ती कहा जाता था। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इसके लिए आपका समय, आपकी खबर।